गाइस आप लोगों को पता होगा कि बिहार बीएड का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए वैसा ही पेपर मैं लगभग जी के सामान्य ज्ञान का पोर्शन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी क्षेत्रों में, जिसमें पहला आ जाता है केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृत्व विवाद में और केवल संकटापन प्राणियों के संरक्षण में। मतलब तीनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है। ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है। अगला है, कमलंगल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सुमेलित करना है कोर्ट के माध्यम से, इसका आंसर हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर करते हैं ऑप्शन सी। पहला देखिए, मिसाइलों के नाम है त्रिशूल, त्रिशूल का हो जाएगा तीसरे वाले से, सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र। फिर आता है पृथ्वी, पृथ्वी का हो जाएगा चौथे वाले से सतह प्रक्षेपास्त्र। फिर आता है अग्नि, इसका हो जाएगा दूसरे से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। फिर आता है नाग, इसका हो जाएगा पहले से एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र। अगला है, हीराकुंड पन बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कांग्रेस कहते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद। अगला आपका क्वेश्चन है, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया। इसका होगा ऑप्शन सी राजराजा प्रथम। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी डी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट, जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया। इसका होगा ऑप्शन बी रूस। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी वर्ष 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सूरत फूट के नाम से। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसी प्रकार पूछा जाए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ऑप्शन ए लोअर अर्थ ऑर्बिट, या कह सकते हैं LEO। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही को चुनना है कोर्ट के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सारे कथन सही हैं, जिसमें पहला कथन कहता है परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होता है, दूसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है, और तीसरा है परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग की कार्यकारी शाखा है। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसने लिखी थी।
ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, मधुशाला किसकी कृति है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। अगला है, घासी राम कोतवाल के लेखक कौन है? इसका होगा ऑप्शन सी विजय तेंदुलकर। अगला बनता है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, संविधान सभा का सभापति किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। ऐसा आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं और निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खारोष्टी लिपि में है? ऑप्शन डी हो जाएगा मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी शिलालेख। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? ऑप्शन सी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई संधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला देखिए क्या है, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। दूसरा है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दहेज में दिए। और तीसरा है, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में दिए। अगला है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया? इसका क्या होगा? ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला है, सभी बृहत ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? तो ऑप्शन बी विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या। नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन डी ओरिसिस। अगला आपका सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए अशोक है, अशोक का हो जाएगा तीसरे से मास्की गुर्जरा नेतुर एवं उदय गोलम अभिलेख। अगला है मगध का राजा, इसका हो जाएगा पहले से भाब्रू अभिलेख। फिर है महामात्र की नियुक्ति, इसका हो जाएगा चौथे से पंचम बृहत शिलालेख। फिर है कलिंग युद्ध का वर्णन, इसका हो जाएगा दूसरे से 13वें बृहत शिलालेख। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। अगला है, मैन कैंप का लेखक कौन था? ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया तथा संलेखन द्वारा अपने प्राण त्याग दिए? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका क्या होगा? ऑप्शन सी जनरल डायर। अगला है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए M.N. रॉय। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? ऑप्शन डी माउंट वेटन योजना। आगरा शहर को किसने बसाया? तो ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था? तो ऑप्शन बी मेरठ और टोपरा स्तंभ। अगला है, इंड आर्क के संबंध में क्या सत्य है? तो ऑप्शन डी आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए
भारत की अंतर्जलीय वेधशाला। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन बी सुकुमार सेन। अगला है, कथन है, कारण है और कोड के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। कथन देखिए क्या है, मौर्य शासन का केंद्र बिंदु राजा था और इसकी व्याख्या कारण आर करता है। मौर्य शासन अति केंद्रीकृत व्यवस्था थी। अगला है, किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन बी 6 माह की। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? इसका क्या होगा? ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन डी 550। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? ऑप्शन बी वीएन राव। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन डी 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 2 सदस्यों को। किसका विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई? ऑप्शन डी साइमन कमीशन बहिष्कार। अगला है, सतत विकास के लिए आवश्यक है कि संसाधनों के दोहन की दर उन संसाधनों के पुनर्जनन की दर से क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी बी और सी। बी है कम हो और सी है बराबर हो। आपका अगला क्वेश्चन बनता है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर है? इसका होगा ऑप्शन बी सचिव और वित्त मंत्रालय का। अगला है, मिस्र के राजा टालेमी ने निम्नलिखित में से किसे मौर्य दरबार में राजदूत बनाकर भेजा? इसका होगा ऑप्शन बी डायोनिसस। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? इसका होगा ऑप्शन बी द्वितीय। बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन डी आजीवक। अगला है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन मार्शल ने कहा था। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? इसका होगा ऑप्शन बी बुध ग्रह। अगला है, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी गोखुर झील कहते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा नदी परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी वाराणसी में स्थित है। अगला है, GSLV मार्क 3 क्या है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए एक रॉकेट है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? ऑप्शन बी मेधा पाटकर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन सी पिसीकल्चर। और आज का लास्ट है, विश्व में ऊन उत्पादन और निर्यात में किसका प्रथम स्थान है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।